बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। हियर इज मैम शाजिया कौसर फ्रॉम किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। जी डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मेरे पास इस वक्त मौजूद है क्लास प्रेप की बुक इंग्लिश की, और आज मैं आपको सिखाऊंगी लेक्चर नंबर 7 है। जैसा कि आपको इससे पहले वीडियोस मिलती रहीं, अब आपको इसी तरह नेक्स्ट 2 वीक की वीडियो मिला करेगी, 2 वीक की डायरी वीडियो के थ्रू मिलेगी। आपने इसी तरह अपने बच्चे को ये काम मुकम्मल कराना है, और दिया गया काम आपने बुक्स पर भी राइट करवाना है, और असाइनमेंट शीट भी जिस तरह आपको बताई जाएगी आपने तैयार करवानी है। जी तो इस वक्त हम लेक्चर नंबर 7 है इंग्लिश बुक का। बेटा अपनी बुक खोलें और पेज नंबर देखें 16, पेज नंबर 16 में हमारे SLOs हैं, SH डायग्राफ, ठीक है। SH वाले डायग्राफ हैं जिसके ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड राइट द SH डायग्राफ। बेटा इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि अ डायग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स रिप्रेजेंटिंग वन साउंड एज इन SH या PH, ठीक है। बेटा होता कुछ इस तरह है, SH डायग्राफ ये है जिसका स्टार्ट में कोई SH लग के दूसरे वर्ड्स को मैच कर दिया जाए, मिक्सचर ऑफ लेटर्स जिसमें हो, और लेकिन वो स्टार्ट SH से ही होता हो, उसको बोलते हैं SH डायग्राफ, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्शन ऑफ SH। बेटा प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ओवर योर लिप्स एंड से SH, ठीक है। यानी कि आपने अपनी फिंगर रखनी है लिप्स पर और फिर बोलना है, ठीक है। ये है बेटा इसकी साउंड। अब हम रीड आउट करते हैं इनके वर्ड्स, तो आपको डेफिनेटली ये वाली साउंड भी आएगी, सुनाई देगी, ठीक है। रीड SH वर्ड्स, शिप, ठीक है, शिप SHIP, शिप SHOP, शॉप SHOP, शॉप SHELL, शेल, शेल, ठीक है बेटा। तो आपको SH की साउंड समझ आई कि आपने लिप्स पर दो फिंगर्स को रखना है, ठीक है। अपने इंडेक्स फिंगर भी आप यूज कर सकते हैं, वो रखें और फिर आप SH की वर्ड बोलें। जिस तरह कोई शोर कर रहा हो बेटा, तो हम उसको इशारे के साथ जिस तरह खामोश करवाते हैं और कहते हैं ना,